चमकी बुखार को लेकर मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों को अलर्ट किया गया है, जिसको लेकर दरभंगा सिविल सर्जन की अध्यक्षता में AES जेई संक्रमण के लक्षण और बचाव को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि रोग को नियंत्रित करने के लिए और आम लोगों को इस बुखार के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक रूप में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुखार 15 वर्ष तक के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चमकी बुखार के मद्देनजर 2 बेड को रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। हम लोग आज मस्तिष्क ज्वर पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सभी बैठे हैं यहाँ पर। और ये हमारे यहाँ इसमें क्या क्या हम लोग व्यवस्था किए हैं सब आप लोग को अवगत कराया गया। अभी तक में हमारे यहाँ जैसे सभी PHC में 2-2 बेड है, जो स्पेशली ASJE के मरीजों के लिए है। हम लोगों ने बहुत से सभी PHC में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से एम्बुलेंस को भी कनेक्ट किया है, और भी कोई प्राइवेट व्हीकल से भी अगर किसी को बुखार आ जाता है बच्चे को, वो सबसे पहले PHC में लाएगा, उसको PHC में अगर कंट्रोल करने के तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग वहाँ से फिर DMCH हमारे यहाँ पिक्कू वार्ड है वहाँ एडमिट करेंगे। और इसके लिए हमारे पास लगभग 29 तरह की दवाएं सभी PHC में उपलब्ध है। सभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी को ट्रेंड कर दिया गया है, और मुझे लगता है कि अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग पूरी तरह से AES को कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, हमारे यहाँ सभी PHC में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें एक नोडल ऑफिसर और एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, दोनों का मोबाइल नंबर सभी जगह दिया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि अगर मान ले कि एक से कांटेक्ट नहीं होती है तो दूसरे से कांटेक्ट कर ले, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो तो सारी आपको बता देंगे सारी बातें। जागरूकता के लिए हमारे हर PHC में 2 RBS की गाड़ी घूम रही है, जो कि जागरूकता फनाले के लिए जो उनको पेन ड्राइव में दिया हुआ है संदेश, उसको हम लोग पूरे गांव-गांव में घुमवा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें क्या करना चाहेंगे, किस प्रकार के बच्चे को देखभाल? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए हम लोगों ने बनाया है, जो एनबिल बनवाया है, कि बच्चे को कड़ी धूप में ना भेजें, बच्चे को रात में सुलाने के पहले जरूर मीठा खाना खिला दें, और सुबह में 4-5 बजे के आसपास बच्चे को जगा कर देखें कि बच्चा बेहोश तो नहीं है। कभी भी खाली पेट उसको बाहर में या जो कभी कभी अतपका लीची होता है उसको ना खाए, इसका भी ध्यान रखें। बता दें कि कुछ साल पहले बिहार में चमकी बुखार ने व्यापक कहर बरपाया था, तब सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि हाल के सालों में इसमें काफी कमी दर्ज की गई है, बावजूद अभी भी सतर्क रहने की काफी जरूरत है। दरभंगा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।